टर्मिनल वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। आप अगर एक लोहे के स्फीयर को किसी भी पानी की सरफेस के ऊपर रखें और छोड़ दें तो वो नीचे जाएगा, मान लो किसी सी या समुद्र के ऊपर रख दिया और नीचे जा रहा है वो, शुरू शुरू में वो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, शुरू शुरू में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे जाएगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। सिर्फ ये चीज यहां नहीं देखी जाती, स्काई डाइविंग जो करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, शुरू में रेस्ट से जंप करते हैं, फिर बहुत तेज नीचे गिरते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतरते हैं। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि शुरू में वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती कांस्टेंट क्यों हो जाती है? तो इसको समझने के लिए इमेजिन करें कि आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर को आपने एक लिक्विड के अंदर आपने ड्रॉप करना है, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी? एक स्फीयर का वेट करेगा, वेट इसको नीचे लेके जाएगा, दूसरा क्या होगा इसमें अप थ्रस्ट करेगा, लिक्विड क्या लगाएगा इसके ऊपर? अप थ्रस्ट लगाएगा। आर्कमिडीज तक हमने दो ही फोर्सेस स्टडी की, वेट और अप थ्रस्ट। अब एक तीसरी फोर्स भी आ गई, जब एक स्फीयर पानी में या लिक्विड में नीचे गिरेगा तो विस्कस फोर्स भी लगेगी, जिसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी इसमें? 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होता है? इमेजिन करें वेट बॉडी का कांस्टेंट है, मान लो 10 न्यूटन, जो वेट है वो चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट है 10 न्यूटन। अप थ्रस्ट भी कांस्टेंट है, मान लो 2 न्यूटन, ये भी चेंज नहीं होता, डेंसिटी कांस्टेंट है सबकी 8 और 10। शुरू में आपने इस स्फीयर को रेस्ट पे पकड़ा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है शुरू में? 0। जैसे ही छोड़ा तो नेट फोर्स क्या है? 10 में से 2 गया 8, तो ये बॉडी कहां जाएगी? नीचे। नेट फोर्स है तो एक्सेलरेट करेगी, जैसी एक्सेलरेट करेगी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगी, मान लो शुरू में 1 न्यूटन, फिर और वेलोसिटी बढ़ेगी तो शुरू में क्या हो जाएगी? फिर बढ़ती बढ़ती 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स यहां पर अभी भी कितनी है? 10 में से 4 गया तो 6, अभी भी नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन है अभी भी, वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी 3, 4, 5, 6, करते करते कभी ना कभी ये क्या हो जाएगी? 8 न्यूटन। ये जैसे ही इतनी तेज मूव करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर जब 8 न्यूटन आएगा तो नेट फोर्स अब स्फीयर पे क्या करेगी? नीचे 10 और ऊपर 2 + 8 = 10, तो नेट फोर्स क्या हो गई? 0। अब स्फीयर पानी में रुक जाएगा? नहीं, वो तो डूबेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे वेट को कौन बैलेंस करता है? अप थ्रस्ट प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग। जब स्काई डाइविंग करते हैं तब भी ये लगता है, उसमें एयर की विस्कोसिटी ली जाती है जो कि बहुत कम होती है, लेकिन जब बहुत स्पीड से मूव करते हैं तो विस्कस फोर्स बहुत हाई हो जाती है, तो इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से बंदा नीचे गिरता है। तो इसके अंदर अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है तो ये ना नोट करना पड़ेगा, इसमें ये इनकम्प्लीट है, मैं बुकलेट में ठीक करके दूंगा, नोट करें इन केस ऑफ, या लिख लें टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल कब आएगी? जब नीचे का वेट मस्ट बी इक्वल टू अप थ्रस्ट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि विस्कस ड्रैग। तो पहली लाइन लिखें, तो W किसके इक्वल होगा? U + F, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? टर्मिनल। इमेजिन करो यहां पर रो बॉडी की डेंसिटी और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, तो रो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, ये लिख लो, एंड सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों डेंसिटीज में डिफरेंस है। ठीक, क्योंकि ये स्फीयर है तो वेट क्या होगा? वेट होगा बॉडी का, वेट क्या होगा? वॉल्यूम 4/3 πr³ इनटू किसका वेट है? बॉडी का वेट है, तो डेंसिटी किसकी? बॉडी की, इनटू जी। क्या स्टेप क्लियर है? तो वेट में वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। अप थ्रस्ट में, अप थ्रस्ट में वेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी अप थ्रस्ट में किसकी ली जाती है? लिक्विड की, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा इनटू जी, प्लस इसकी वैल्यू फिक्स है 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, लेकिन इस वी का नाम क्या है? टर्मिनल, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, नेट फोर्स जीरो है, तो जो वेलोसिटी आएगी वो ऑटोमेटिकली क्या आएगी? टर्मिनल।
तो लिख लिए लाइन, लिख लो प्लीज। तो अब एक काम करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए 6 पाई ईटा आर वी एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी रो माइनस सिग्मा एक तरफ। तो ऐसा होगा, इसके अंदर पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर भी कैंसिल, स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 2/9, ये 4 से 3, 4 और 6 भी कटेगा, 3 × 3 9, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट भी कर लेना, टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाय ईटा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो टर्मिनल वेलोसिटी का जब फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला एक बार बताना टर्मिनल का, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। तो फॉर्मूला बुकलेट में एक इंपॉर्टेंट नोट कर लें, रो का मतलब यहां पर किसकी डेंसिटी है, बॉडी की, और सिग्मा का मतलब लिक्विड की या मीडियम की, जिस मीडियम में ये बॉडी गिर रही है, लिक्विड की या मीडियम की जिसमें ये बॉडी नीचे गिर रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन आ भी सकती है।